भारत और पाकिस्तान के बीच 17 सितंबर को एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेले जाने की संभावना कायम है। भारत ने मंगलवार को खेले गए मुकाबले में श्रीलंका को 41 रन से मात दी। भारत की इस जीत के चलते पाकिस्तान टूर्नामेंट में बना हुआ है। अगर श्रीलंका मंगलवार को खेले गए मुकाबले में जीत दर्ज कर लेता तो वह फाइनल का टिकट हासिल कर लेता, हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। दरअसल मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिली। मुश्किल पिच पर भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। भारतीय टीम 49.1 ओवर में 213 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। एक वक्त पर श्रीलंका इस लक्ष्य को हासिल करने के करीब पहुंच गया था, लेकिन रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव की बेहतरीन गेंदबाजी ने भारत को मैच में वापस ला दिया। कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर श्रीलंका की पारी को 172 रन पर ही समेट दिया। इस भारत इस मुकाबले को 41 रन से जीतने में कामयाब रहा। श्रीलंका को हराकर भारत राउंड 4 के पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गया है। बेहतरीन नेट रनडेट होने की वजह से भारत ने एशिया कप के फाइनल में पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। श्रीलंका हालांकि आने के बावजूद भी दूसरे स्थान पर बना हुआ है। 14 सितंबर को पाकिस्तान की टक्कर श्रीलंका के साथ होने वाली है। इन दोनों देशों के बीच खेले जाने वाला यह मुकाबला एक तरह से सेमीफाइनल हो गया है। पाकिस्तान और श्रीलंका में से जो टीम जीत दर्ज करने में कामयाब रहेगी उसको फाइनल का टिकट मिल जाएगा। बात अगर बांग्लादेश की करें तो वह राउंड 4 के अपने तीनों मुकाबले में से 2 मुकाबले गवा चुकी है। बांग्लादेश का मुकाबला अब सिर्फ भारत के साथ बचा हुआ है, जो 15 सितंबर को खेला जाएगा। बांग्लादेश के लिए फाइनल में पहुंचने की कोई संभावना बाकी नहीं है। भारत इस मुकाबले को फाइनल से पहले प्रैक्टिस मैच की तरह भी खेल सकता है। धन्यवाद।